तो मुझे कर दिया इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा परेशान। तो 7 महीने के बाद ना अब मैं आज उनसे फाइनल करने जा रही हूँ। तो मुझे कर दिया इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा परेशान। तो 7 महीने के बाद ना अब मैं आज उनसे फाइनल करने जा रही हूँ कि भाई तुम करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो आधी ड्यूटी मैंने कर ली है, हाफ सीएल लेके निकल रही हूँ और फिर बताती हूँ क्या होता है मेरे साथ। और धूप इतनी तेज़ है ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसलिए आज मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोगों के साथ भी मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था, बट आज ना मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ कि ये लोग कितना ज़्यादा परेशान करते हैं हम लोगों को। ड्यूटी से बाहर निकली, ऑटो लिया और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, फटाफट से घर पहुँची, एक मोटी सी रोटी बनाई और जो भी सब्जी थी उसके साथ खाया, एंड फिर क्या हुआ वो आगे देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि आपने देखा कि मैं ड्यूटी से जो है अभी घर में पहुँच चुकी हूँ, खाना भी मैंने खा लिया है और 2 बजे का टाइम है निकलने का। तो मैं जा रही हूँ और मेरे साथ एक कलीग है, मतलब उससे मेरी सिर्फ फ़ोन में बात हुई है, क्योंकि वो भी सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है पिछले 7-8 महीने से। तो जैसे ग्रुप में पता चला था कि हाँ उनका भी कुछ इश्यू है काउंसिल से रिलेटेड, तो मेरा भी सेम है। तो मैंने फिर उनको कॉल करा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं तो कल जा रही हूँ, अगर आपको चलना है तो देख लो। तो वो बोलने लगे कि हाँ मैं भी चलूँगा। सर की कॉल भी आ चुकी है, तो अब हम दोनों जा रहे हैं। सारी कहानी मैं आपको जो है बताती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मैं भी पटना एम्स में काम कर रही हूँ और हमारी जो काउंसिल होती है ना, नर्सिंग काउंसिल, तो जैसे कि सबको पता है कि मैं पहले दिल्ली में थी, तो मेरे पास दिल्ली का रजिस्ट्रेशन था और हमें हर 5 ईयर्स में वो रिन्यू करवाना होता है। तो अभी जब मैं पटना में जॉब कर रही हूँ तो मेरा वो वहाँ से रिन्यू नहीं होगा। मतलब ये भी एक प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली वालों के साथ है कि दिल्ली वाले रिन्यू नहीं करते हैं अगर आप दिल्ली में जॉब नहीं कर रहे हो, बाकी अदर स्टेट में कोई ऐसा जो है इश्यू नहीं है। तो ये था कि अब वो लोग मेरा रिन्यू करेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना है बिहार में, जो कि मैंने अक्टूबर मंथ में अप्लाई कर दिया था। हर एक प्रोसेस के लिए इन लोगों का 1 महीना लगता है, चाहे वो कुछ भी काम हो, 1 महीने से मतलब मिनिमम 30-45 डेज। तो मैंने अक्टूबर में अप्लाई करा था, जिसका मुझे एक मेल आना था, जो मेल करने में इन्होंने, वो भी मैंने इतने लोगों को भेजा, मैं खुद गई, मतलब जुगाड़ वगैरह लगाने के बाद जाके मुझे 1 महीने डेढ़ सवा महीने के बाद वो मेल रिसीव हुआ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं लेट हो रही हूँ, इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ, क्योंकि वो सर आ रहे हैं, हम लोग बाइक से जा रहे हैं। ये कह रहे थे वैसे गाड़ी से चलते हैं, बट मैंने कहा रहने दो यार, एक्चुअली जाना अंदर मुझे ही है, बात भी मुझे करनी है, तो सबको क्यों परेशान करना। और फिर चेरी का सोने का टाइम है, चेरी अभी सो रही है, तो जो है मैं निकलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स नर्सिंग से ही हैं, सेम प्रोफेशन से हैं, और सब लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, हाई अथॉरिटी है, काउंसिल है। तो चलो फिर फटाक से चलते हैं। तो जी चलो, है तो बस ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि चेरी ना सो रही है, फालतू में क्यों परेशान करना है ना। तो मैं चलती हूँ, और दिखाते हैं आपको हमारे नर्सिंग काउंसिल की सच्चाई। ठीक है, हम लोग मतलब पेशेंट की इतनी केयर करते हैं, सबका इतना अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, बट हमें किस तरीके से परेशान किया जाता है। कहीं से जाएंगे बाइक में, मौसम आज ठीक है, बहुत तेज धूप नहीं है, मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए शेयर कर रही हूँ। पता है इनकी जो मिस्टेक है ना, वो मैंने पकड़ ली है, इसलिए आज मैं बिल्कुल रेडी होके जा रही हूँ, कि मतलब ये पूरे श्योर थे भाई, तो आज मैं इनको बताती हूँ। तुम लोग ये जो बैठे हुए हो ना, लोगों को परेशान करने को, अगर कोई डाउट करके आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम ढंग से सॉल्व करो।
वापस आ गए हैं। क्या कहानी हुई, क्या हुआ, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। जो एक्सपेक्ट था वही हुआ है सेंटर से। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं, पानी वानी पियेंगे, फिर बताऊँगी आपको। One eternity later. Hello friends, मैं जो हूँ आपको काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, मुझे बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिल रहा था अपडेट करने का। सो फाइनली मैं टाइम निकाल के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे जो है ये वीडियो कंप्लीट करना था, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मैं जो है उस दिन BNRC गई थी, मतलब बिहार नर्सिंग काउंसिल, और मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, फेडअप हो चुकी हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और यहाँ देखो चेरी भी आ गई है, ठीक है। तो जो नर्सेस का रजिस्ट्रेशन होता है वो हर 5 साल में जो है हमें रिन्यू कराना होता है। तो मेरा भी वही टाइम था, जैसे ही मैंने जब पटना में ज्वाइन करा, तो जैसे मैंने 2020 में ज्वाइन किया तो उस टाइम पे मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हुआ था, लेकिन 2021 में जाके ये एक्सपायर हो गया। तो थोड़ी सी लापरवाही मैंने भी दिखाई, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे। और दूसरी चीज़ होती है कि काउंसिल के काम इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ना, कि करते वक्त मतलब डर लगता है कि यार पता नहीं ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या अड़चन आ जाएगी। इस चक्कर में ना उस चीज़ को मैंने डिले किया। फिर हुआ कि हमारा यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो मतलब मेरे सर पे आ ही गया, और फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और मुझे फाइनली जो है जाके सारी प्रोसेस मैंने पूछी, और मैंने जाके, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे बिहार नर्सिंग काउंसिल में जाके अप्लाई करना पड़ा। तो सारी प्रॉब्लम जो है अब यहाँ से शुरू होती है। जब मैंने जो है अप्लाई किया, मैंने अक्टूबर मंथ में मैंने बिहार नर्सिंग काउंसिल में एक एप्लीकेशन लगा दी कि भाई मुझे अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना है। और जो है ये सारी प्रोसेस काउंसिल टू काउंसिल चलती है, जैसे कि बिहार नर्सिंग काउंसिल वाले DNC वालों को अप्रोच करेंगे कि आपका कोई कैंडिडेट हमारे पास आया है, तो अगर आप जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करो और हम इनको नया बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इश्यू कर देंगे। तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। और उसके साथ साथ साइड बाय साइड में काउंसिल वालों से बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी अपनी पुरानी काउंसिल में जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके लिए हमें एक नंबर चाहिए होता है, डिस्पैच नंबर, जो कि जहां हम, जैसे अभी मैंने बिहार में अप्लाई करना है किया है, तो बिहार वाले मुझे एक डिस्पैच नंबर देंगे जो मैं दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में जिसके थ्रू डालूंगी, और फिर वो लोग यहाँ NOC भेजेंगे और सारा प्रोसेस, फिर मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो प्रोसेस जैसे मैंने बताया कि मैंने अक्टूबर में अप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब अक्टूबर से, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि 30 से 45 दिन का टाइम होता है, तो मैंने आराम से उस दौरान, दिवाली आई, छठ आई, तो यहाँ पे सब बिजी होते हैं, मैंने किसी को कोई परेशान नहीं किया, मैंने जस्ट वेट किया। एक महीने के बाद जाके मुझे, मतलब मैंने किसी को भेजा, जुगाड़ लगवाई, तब जाके मुझे जो है एक मेल आ गया कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड टू योर पेरेंट नर्सिंग काउंसिल, दैट इज DNC, ठीक है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। अब मुझे क्या करना था कि मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना था, तो मैंने फिर वहाँ वापस गई कि भाई मुझे डिस्पैच नंबर दे दीजिए, बट उन लोगों ने मुझे डिस्पैच नंबर देने से मना कर दिया। मैंने फिर ले जाके काफ़ी सारे प्रूफ दिखाए कि इसके बिना मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, मुझे DNC नहीं मिलेगा, बट वहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे बात करी, उन लोगों का होता है कि आप रजिस्ट्रार मैम से बात करो, तो जाके रजिस्ट्रार मैम से भी बात करी, खुद भी बात करी, जुगाड़ लगवाए, यहाँ पे एक वकील भैया हैं उनको भेजा, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको भेजा, मतलब वो लोग, मतलब एक उस लेवल के हैं कि वो साथ में जाके उनके ऑफिस में बैठ के जो है बात कर सकते हैं। उन लोगों ने भी जाके बात करी, बट मेरी बात ना कोई समझ पा रहे थे, बट जो समझ रहे थे उनके हाथ में कुछ था नहीं, और जिसके हाथ में पावर थी वो मतलब मेरी प्रॉब्लम को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे थे। और एट लास्ट जो रजिस्ट्रार मैम है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि जी हम यहाँ से आपको डिस्पैच नंबर नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैंने बोला कि मैम फिर मैं क्या करूँ, मेरा तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है, और अगर आप मुझे डिस्पैच नंबर नहीं दोगे तो मैं जो है काउंसिल मैन उसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं सोचूं कि चलो मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, मैं कहीं और कर दूँ, तो यार मैं हूँ पटना में, ठीक है,
या तो अगर मैं सोचूं कि मैं अपने होम टाउन यानी कि भोपाल की साइड अप्लाई करूं, तो भोपाल में भी मुझे कोई चाहिए जो जाके मेरा काम करवाए, तो मेरा कोई क्लोज रिलेटिव फ्रेंड कोई भी भोपाल में नहीं है, तो मैं वहां से भी गई। शिमला हुआ मेरे ससुराल वाली साइड, वहां पे भी शिमला में जो है काउंसिल है, तो वहां पे भी शिमला में भी कोई ऐसा पर्सन नहीं है, तो मैं वहां पे भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे एनी हाउ मुझे बिहार नर्सिंग काउंसिल में ही करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। काउंसिल वाले ये लोग कहीं से कहीं तक हेल्प नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी तो हुआ बिहार नर्सिंग काउंसिल का, अब इन लोगों ने जब साफ साफ मना कर दिया, तो सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं जब तक डिटेल नहीं बताऊंगी ना आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मुझे सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी। और जो लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं ना, जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम काउंसिल काउंसिल के बीच में कितना ज़्यादा फंस जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, चीज़ें ज़रूरी होती हैं बट कर नहीं पाते हैं। उसके बाद हुआ कि जब इन लोगों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि जी हम नहीं देंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। फिर मैंने जो है दिल्ली नर्सिंग काउंसिल वालों को मेल पे मेल डाले, कॉल पे कॉल करे, उनकी भी टाइम लिमिट है 9 से 12 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, और मंडे टू फ्राइडे में उस टाइम में सारे लोग वहां कॉल करते हैं, तो हमेशा जो है या तो नंबर बिजी जाता है या एंगेज जाता है या फिर वो वहां कोई फोन नहीं उठाता। बाई लक आपका कभी 10-20 दिन में एक आध बार फोन उठ जाए तो आप वहां जाके बात कर लो, बस इस तरीके से है प्रोसेस। बात करी मैंने उनको, सारी प्रोसेस बताई कि मैम यहाँ से मुझे डिस्पैच नंबर नहीं मिल सकता है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, तुम्हारी रिक्वेस्ट आई है काउंसिल से या नहीं आई है। उन्होंने चेक किया, काउंसिल से उन्हें कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप उनको बोलो वो हमें मेल भेजें और मैं तुमको डिस्पैच नंबर दूंगी। तो वहां पे जो है आशा की किरण जागी कि थैंक गॉड, ठीक है मैं इनको बोलती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेल कुछ भी जो भी रीजन है, तब तक मुझे कुछ नहीं था, तो मैंने बोला प्लीज़ अगर आपने मेल नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, या जो भी रीज़न है बस मेल भेज दो, मुझे डिस्पैच नंबर अब आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी दिल्ली नर्सिंग काउंसिल मुझे डिस्पैच नंबर दे देगी। फिर जब मैंने देखो ड्यूटी होती है, घर होता है, फैमिली होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मैं हमेशा वहाँ बार बार चक्कर नहीं लगा सकती, तो मैंने वापस से जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं वकील भैया उनको बोला, वो गए, जो उनके साथ एक और हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी गए, और 2-3 बार उन्होंने जाके चक्कर लगाया मेल भेज दो, तो वो लोग जी हमने मेल भेज दिया है, हमने मेल भेज दिया है। ठीक है, इस तरीके से एट लास्ट इन लोगों ने मुझे, और मैं कह रही हूँ जी मेल नहीं गया नहीं गया, और ये लोग कह रहे हैं मेल गया 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 गया, ये करते करते 6 महीने निकाल दिए। ठीक है, और मतलब 6 महीने के बाद फाइनली इन्होंने ये कर दिया कि जी आप कहीं ना कहीं गलत हो, और आपका जो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल वाले हैं वो लोग बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ की भाषा में बोला जाए तो कि वो लोग बदमाशी कर रहे हैं, उन लोगों ने वो लोग आपको मेल नहीं देना चाहते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, अब कोई भी बदमाशी कर रहा हो, परेशान तो मैं हो रही हूँ ना, या मेरे जैसे सारे नर्सिंग कैंडिडेट हो रहे हैं ना, हमें तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप भी नहीं दे रहे हो, वो भी नहीं दे रहे हैं, कहाँ जाएं, और दिल्ली बहुत दूर है, मैं यहाँ से चल फिर के वहाँ नहीं जा सकती हूँ, पास में नहीं है कि मुंह उठा के कभी भी चले जाओ उनसे जाके सारे अपने इशू जाके वहाँ सॉल्व करके आ जाओ, नहीं हो सकता है। ठीक है, एक रात का सफर है, बच्चे को छोड़ के मैं बार बार वहाँ नहीं जा सकती हूँ। किसी और को भेजने से मतलब काउंसिल का ये हाल है, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है, बहुत मुश्किल है काउंसिल में काम करवाना। ठीक है, फिर भी मैं बोलूंगी कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल वालों ने बहुत अच्छे से कॉपरेट करा, एट लास्ट उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी, बहुत अच्छे से कॉपरेट करा, बहुत अच्छे मेरे को मतलब बहुत फास्ट भी प्रोसेस कर दिया। सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, फिर ये हुआ, फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, 7 महीने हो चुके थे बैठे बैठे मेल पे रिसर्च कर रही थी भाई, एक एक शब्द पढ़ रही थी, कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है, बार बार DNC को मेल भेजना, कम से कम मैंने 20-30 मेल DNC को भेज दिए हैं, और कम से कम 10-15 मेल BNRC को भेज दिए हैं। थैंक गॉड कि DNC वाले रिप्लाई कर देते हैं, BNRC वालों का ना तो फोन नंबर लगता है, जो उनकी वेबसाइट पे नंबर है वो नंबर हमेशा रॉन्ग आता है, वो नंबर नहीं लगता है, मेल आप कितने भी कर लो वो कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो BNRC वालों का ये कंडीशन है। उसके बाद मैं बैठे बैठे देख रही थी, मैंने देखा वो जो CC में वहाँ पे जो उन्होंने नर्सिंग काउंसिल DNC का जो एड्रेस डाला है, मतलब मेल आईडी डाला है, मैंने कहा इस तरीके का तो कोई मेल आईडी हमने तो नहीं देखा आज तक। फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये मेल आईडी गलत है, इट मीन्स इन्होंने मेल वहाँ जिस आईडी पे भेजा वो मेल आईडी
करेक्ट है ही नहीं तो उनको कैसे मिलेगा, इनकी तरफ से भेज दिया, उनकी तरफ उनको मिला ही नहीं है क्योंकि वो मेल आईडी उनकी है ही नहीं। फिर मैं रेडी हो गई भाई, और वो जो आपने दिन देखा वो था फ्राइडे, उस दिन मैं गई बिल्कुल मूड बना के कि आज आर होगा या पार होगा। ठीक है, मैंने उनको सीधा बोला कि आप मुझे, मैं और जो वो मेरे साथ सर थे, ठीक है, मैंने कहा आप मुझे वो सेंट में वो मेल दिखा दो जो आपने भेजी है, क्योंकि उन लोगों ने साफ साफ रिटर्न में मुझे दे दिया है मेल करके कि हमारे पास कोई मेल आईडी नहीं मिली है। तो वो बंदा ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा उसे नहीं मिला। मैं अंदर से कॉन्फिडेंट थी मिलेगा कैसे जब वो गई ही नहीं है, मेल एड्रेस सही नहीं है तो वो मेल आपको मिलेगी ही नहीं सेंट पे। ठीक है, फिर कहते हैं मैडम आप बाहर बैठिए मैं ढूंढता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई ढूंढ ले। हम लोग बैठे 15-20 मिनट के बाद मैं फिर गई क्योंकि मुझे पता था। मैंने बोला कि आपको मिला? कि हाँ मिल गया है, और आप बता दो आप किस पे भेजना है। मैंने कहा किस पे भेजना है का क्या मतलब है भाई, हम क्यों बताएं तुमको, 7 महीने हो गए हैं, हम भी तुमको गूगल से निकाल के ही बताएंगे ना, तो ये काम आपका है। 7 महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं, साला इतना दिमाग खराब हो गया, 70 लोगों को भेज दिया, टाइम इतना बर्बाद हो गया, टेंशन हो गई, काम डिले हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, क्यों हो गई सिर्फ एक पर्सन की मिस्टेक की वजह से। तो मैंने इस चीज से ये सीख ली है, एक तो ये कि अपना काम ना खुद हैंडल करो तब वो काम टाइम से कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर वो काम डिले हो रहा है तो उस पर रिसर्च करो कि गड़बड़ कहाँ है, ये प्रॉब्लम कहाँ जाके अटक रही है, वहां से हमें उस प्रॉब्लम को पकड़ना है और सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी क्या करना था, हमें अपना काम तो करवाना था, तो मैंने उसको एक जिस आईडी पे मैं बात कर रही थी डीएनसी वालों से उस पर मतलब फटाफट मेरे को रिप्लाई आ रहा था, जैसे आज भेजा है तो कल, कभी कभी तो 1-2 घंटों में वो रिप्लाई कर देते थे। मैंने बोला सर आप सारी मेल आईडी छोड़ो आप इस पर करो, फिर उस बंदे ने उस पर किया। ठीक है मैं कर दूंगा, मैंने कहा कर दूंगा नहीं, 7 महीने बर्बाद हो चुके हैं, यहां बैठी हुई हूं, मेल करो और मुझे लिख के दो कि आपने इस डेट पे इस टाइम पे इस मेल आईडी पे करा है। ठीक है, वो तो करेगा, उसने गलती करी थी, उसने फिर हमें मेल करके और हमें लिख के दिया है, वो भी प्रूफ मैं यहाँ लगा दूंगी। ठीक है, तो ये हालत है ऑफिसों की, पढ़े लिखे लोगों की, बैठ के छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं बट उससे लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक गॉड कि मेरी अर्जेंसी जो है थी बट वो काम मेरा हो गया, और अभी एक पेंडिंग और काम है जिसके लिए मैं हाथ पैर मार रही हूँ, उसमें भी अभी कुछ महीनों का टाइम है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है बट हाँ होपफुली 1 मंथ का टाइम हो। तो मैं अभी ये कि चलो भाई एक वाला काम बिना इसके हो गया, दूसरे काम जब तक आएगा तब तक ये मेरा जो है सर्टिफिकेट रेडी हो जाए। ठीक है, अगर मैं ये अभी नहीं करती ना, सबके भरोसे रहती और स्पेशली बिहार नर्सिंग काउंसिल वालों के भरोसे रहती कि हाँ इन्होंने भेजा है, माइंड वहां क्लिक हुआ, मतलब दिमाग में वहां पे क्लिक हुआ कि जब दिल्ली नर्सिंग काउंसिल वाले फटाफट रिप्लाई पर रिप्लाई कर रहे हैं, वो पूरा रिसर्च कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ लगे हुए हैं कि हमारे पास मेल नहीं आया है, टाइम टू टाइम रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं, तो वो बदमाशी नहीं कर रहे हैं, बदमाशी जो हुई है ना वो यहां से हुई है, तो इन लोगों ने ये किया है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही मेल गया, फिर मैंने संडे को रात में बैठ के मेल किया उनको कि इस तरीके से आपको ये इस टाइम पे इस डेट पे इस रजिस्ट्रेशन नंबर की वहां से एनओसी रिक्वेस्ट आई होगी, प्लीज चेक कर लो और उसको प्रोसीड कर दो। फिर उन्होंने मुझे आज मंडे को तुरंत मेल किया, मुझसे रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से मांगा बट नो प्रॉब्लम, मैंने उनको रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से दिया और उन्होंने वापस से मुझे, जैसे कि उन्होंने मुझे बोला था कि अगर बिहार नर्सिंग काउंसिल वाले आपको डिस्पैच नंबर नहीं दे रहे हैं तो हम देंगे, वैसे उनका कोई काम नहीं है बट वो हेल्प कर रहे थे, थैंक्स टू दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, उन्होंने वो डिस्पैच नंबर मुझे तुरंत दिया और मैंने जस्ट अभी बैठ के एनओसी ऑनलाइन अप्लाई करी है। जो काम मेरा सितंबर अक्टूबर में हो जाना चाहिए था वो काम आज मैं बैठ के अप्रैल, आज है 24 अप्रैल को बैठ के कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काउंसिल के काम बहुत ज़्यादा हैक्टिक होते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं मेंटली फिजिकली, बट जो भी है यार गले में आ रखा होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लोग कहीं पे काम नहीं कर सकते हैं, वो तो थैंक्स टू गॉड कि गवर्नमेंट जॉब है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, अदरवाइज प्राइवेट वाले तो मतलब आपको डंडा करके रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाएंगे ही, नहीं तो सैलरी कट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम काउंसिल में रजिस्टर ही नहीं है, जैसे कोई मेडिसिन है उसकी डेट एक्सपायर है तो वो वेस्ट है, उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन का है, अगर वो एक्सपायर है तो हम लोग जो है काम नहीं कर सकते हैं, वो इलीगल है।
तो अभी ये प्रोसेस हो गया है, होपफुली एक आध महीने में मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाए और फिर मैं वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि काउंसिल के काम, सबसे पहली बात जो मैंने गलती करी कि उसको डिले किया, कर लूंगी सोचा, तो ये कि भाई आप टाइम से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी काउंसिल के काम है उनको अपने हाथों में लो और खुद करो, क्योंकि दूसरे लोगों को नहीं नॉलेज होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ गलत हो रही है। एट लास्ट मैंने उस गलती को पकड़ा और फिर उनको जाके बात की, क्योंकि और तब जाके ये मेरा काम हो पाया है। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं रिन्यू या फिर उनके पेंडिंग हैं, तो भाई सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने रजिस्ट्रेशन टाइम से अपडेट करवा लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारी लाइफ जो है इन्हीं से चल रही है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। और जो गलती मेरे साथ हुई, अगर आपका काम भी इस तरीके से अटका पड़ा है तो एक बार आप लोग भी, मे बी हमारे साथ जो हुआ, क्योंकि मेरे साथ भी और वो सर के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, तो अगर आपका भी कुछ ऐसा इश्यू है तो एक बार मेल आईडी वगैरह चेक कर लो और अपना काम को जो है प्रोसेस को कंप्लीट कर लो, क्योंकि ऑफिस वाले ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान हमें ही देना है क्योंकि भाई हमारा काम है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जो भी नर्सिंग से रिलेटेड हैं, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं। और मिलते हैं फिर एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सॉरी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया।